सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला। सलाम साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक लेखपाल है, वो साइन करवाने का 50 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं। जो फार्म भरा था जब 50 रुपये लेके तब साइन करिए, अब सिनाई साइन करिए, ये बात है। जब 50 रुपये था तब साइन करने ना करो, ई खुटा के लेखपाल हूं। सरकार जी के वेतन दे दिया इतना पेट भरता है, साइन करिए तब पैसा सब स्वागत करिए, बिना पैसा ले साइन ना कर दे। और नहीं साइन का करे तो फार्म साहब फेंक देते ने, क्या तो बिना पैसा ले हम साइन ना कर। कहले मतलब अभी बाबू ई खुटा के लेखपाल हूं, बिना पैसा ले साइन ना करिए, 50 रुपये बिना मर जाते ने। सरकार इनके 40,000 वेतन देती है, 45,000 इनके ना पेट भरता, ये साइन के लिए 50 रुपये इनके चाहिए, बिना पैसा ले ले ना करिए। हाँ, बिना पैसा ले ले 50 रुपया ये वेतन सरकार उतनी साइन ना करते। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप कहीं भी, अगर आपके घर में कुछ मतलब जैसे खेत हो गया, कोई किसी चीज़ का साइन करवाना है, राशन कार्ड हो गया, कोई भी चीज़ हुआ, मतलब साइन लगता है उन लोगों का, तो अगर आप करवाने के लिए जाते हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। ये सरकार नहीं कहती है, वो लेखपाल जी कहते हैं। उन्होंने अलग से मतलब नियम निकाला है, मतलब घूस जो नहीं होता घूस। तो आप लोग ये सोचिए, दुख तो तब होता है साथियों जब 80,000 सरकारी नौकरी करने वाला, 80,000 कमाने वाला 400 रुपए की दिहाड़ी करने वाले से रिश्वत मांगता है, दुख तो ये होता है। और ये आंकड़ भी दिखा रहे हैं लेखपाल साहब जो हैं, ये आंकड़ भी दिखा रहे हैं कि तुम क्या नाम है, नहीं करूंगा जब तक आप पैसा नहीं देंगे, जब तक आप ये नहीं देंगे। तो आप लोग सोचिए, आप अगर नौकरी कोई चीज करने लगे तो गरीब आदमी के ऊपर, गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, डर के तो आखिर दे ही देगा बेचारा। महीने में, हफ्ते में 2-3 बार वो ड्यूटी जाता होगा, कहीं काम वम पाता होगा, बेचारा काम करता होगा, उसके बाद उससे उसके घर की रोजी रोटी चलती होगी, बच्चों की पढ़ाई चलती होगी। और ऐसे साहब लोग मिल जाएंगे तो 500-500 रुपये लेंगे अगर साइन का, तो हमारे मतलब उन गरीब भाइयों का क्या होगा यार, वो बेचारे कहाँ से खाएंगे। वो तो दिन भर बेचारे खटते हैं, शाम को अपना कुछ पाते हैं पैसे से, तो अपने घर में जो भी सब्जी लेके आना रहता वो चीज़ करते हैं। तो जब लेखपाल, सेक्रेटरी, पुलिस के लोग, मतलब जो भी लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं हर डिपार्टमेंट, जब इस तरीके से मतलब वो लोग करते रहेंगे, घूस लेते रहेंगे, रिश्वत खाते रहेंगे, तो बताइए गरीबों का क्या होगा। गरीबों का मतलब गरीब होना इस दुनिया में बहुत ही गुनाह है साथियों। तो ये मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार जी से कि प्लीज़ ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड करें, किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो चमार समाज से आते हों, चाहे वो यादव, चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो ठाकुर, चाहे वो पंडित, चाहे वो बैस, किसी भी समाज से आते हों, इनको तुरंत सस्पेंड करें। रिश्वतखोरी नहीं चलनी चाहिए इस देश के अंदर। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज अगर आप किसी को रिश्वत देना चाहते हैं तो मत इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप रिश्वत नहीं देना चाहते हैं, न्याय पे अपना आके काम करना, जहां पैसे लगता है वहां पैसे दीजिए, जहां पैसे नहीं लगता है वहां एक पैसा मत दीजिए। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि आजकल के लेखपाल जी जो लोग हैं ये लोग भी रिश्वत खाना चालू करते हैं। तो साथियों जय भीम, नीला सलाम। और साथियों आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी कुछ तबीयत खराब है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा हूँ। और जब थोड़ी सी मतलब हिम्मत बन जाती, थोड़ा सा ठीक हो जाता हूँ, फिर आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ। ये आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद है कि मैं सांसें चल रही है और आप लोगों के सामने हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।